हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर मींस भविष्य, कंटिन्यूस यानी लगातार या चालू, और टेंस मींस काल, मींस चालू भविष्य काल। इस टेंस में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट आएगा। हियर विल बी किन किन के साथ होता है? विल बी होगा ही, शी, इट, दे के साथ विल बी का यूज़ करेंगे। एंड शैल बी का यूज़ आई एंड वी के साथ करेंगे। ओके, लेट्स डिस्कस द एग्जांपल्स। फर्स्ट, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। देखिए, यहाँ सब्जेक्ट आई, आई के साथ शैल बी का यूज़ होगा। देन वर्ब यूज़ करिए मैंने राइट, तो राइट में आई एन जी एड होगा तो होगा राइटिंग, और ऑब्जेक्ट लिया मैंने अ लेटर। सेकंड एग्जांपल, वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड, ही विल बी कमिंग सून, मीन्स वह यहाँ जल्द ही आएगा, आ रहा होगा, है ना। फोर्थ देखिए, शी विल बी अराइविंग हियर, यानी वह यहाँ आ रही होगी। फिफ्थ, यू विल बी रीडिंग अ नॉवेल, आप एक नॉवेल, आप एक उपन्यास पढ़ रहे होंगे। सिक्स्थ एग्जांपल, दे विल बी मेकिंग काइट्स, वे पतंगे बना रहे होंगे। ओके, अभी इन्हीं सेंटेंसेस का हम नेगेटिव बनाते हैं। देखिए, आई शेल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, मीन्स मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा होऊंगा। सेकंड, ही विल नॉट बी कमिंग सून, वह जल्दी नहीं आ रहा होगा। थर्ड, शी विल नॉट बी अराइविंग हियर, वह यहाँ नहीं आ रही होगी। फोर्थ, यू विल नॉट बी रीडिंग अ नॉवेल, आप उपन्यास नहीं पढ़ रहे होंगे। फिफ्थ, दे विल नॉट बी मेकिंग काइट्स, वे पतंगे नहीं बना रहे होंगे। अब देखिए, इन्हीं सेंटेंसेस को अब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आती है। देखिए एग्जांपल्स। फर्स्ट, शेल आई बी राइटिंग अ लेटर, मीन्स क्या मैं एक पत्र लिख रहा होऊंगा। सेकंड, विल ही बी कमिंग सून, क्या वह शीघ्र ही आ रहा होगा। थर्ड, विल शी बी अराइविंग हियर, क्या वह यहाँ आ रही होगी। फोर्थ, विल यू बी रीडिंग अ नॉवेल, क्या आप एक नॉवेल पढ़ रहे होंगे। एंड फिफ्थ, विल दे बी मेकिंग काइट्स, क्या वे पतंगे बना रहे होंगे। इस टाइप से इस टेंस के सिंपल एग्जांपल्स, देन उनके नेगेटिव और उनके इंट्रोगेटिव, ये सारे हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।